गुड इवनिंग एवरीवन, आज ही संडे और अभी टाइम हुआ है 6:30। तो अभी हम जा रहे हैं, मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत तैयार दिख रही हूँ, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो आर्यन घर में रहेगा पर मैं और मिथुन जा रहे हैं, क्योंकि पास में ही है वो, मतलब कोई मॉल में नहीं, पास में एक ग्रॉसरी स्टोर, तो वहाँ पर हम जा रहे हैं क्योंकि आज संडे है। तो ऑब्वियसली कल है मंडे और कल से शुरू होता है ऑफिस, स्कूल, फिर से सुबह उठना, ये सारी चीज़ें। तो आर्यन के टिफिन के लिए भी मुझे कुछ चाहिए, कुछ सब्जी जैसे कि राइस के साथ मैं बना देती हूँ, या ऐसा कुछ चीज़ें जो मैं रोटी के साथ रैप करके उसको रोल टाइप्स कुछ बना देती हूँ, ये सारी चीज़ों के लिए। कुछ वेजिटेबल्स के लिए अभी मैं जा रही हूँ, और वैसे भी कुछ चीज़ें ख़त्म हो गए हैं लाइक लाइजॉल और ऐसा कुछ चीज़ें, तो टूथपेस्ट वो भी मुझे चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी लानी है। तो अभी हम चलते हैं और आने के बाद हम पियेंगे कॉफ़ी, पर वो कोई भी पैकेट वाला कॉफ़ी नहीं, और कोई नॉर्मल सी जो कॉफ़ी है वो नहीं, हम पियेंगे लैटे, और लैटे का फुल रेसिपी मैं आपको दूंगी। सो गाइज, अभी हम मार्केट से आ गए हैं और आपको ये टेबल को देख के पता चल गया होगा कि अभी हम कॉफ़ी बनाने वाले हैं, एंड कॉफ़ी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे है, पर मिल्क अभी बॉयल हो रहा है क्योंकि लुकवार्म मिल्क चाहिए। तो ये है रोस्टेड कॉफ़ी। लैटे बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्लेन पाउडर कॉफ़ी से नहीं होता, वो होता है ऐसे रोस्टेड ग्राउंड कॉफ़ी, ये फिल्टर कॉफ़ी भी आप बोल सकते हैं, और लुकवार्म वाटर। एंड ये है एक्चुअली वो चीज़ जिसके थ्रू हम बनाएंगे लैटे। तो ये है इंस्टा कप का, एंड ये किस तरह से यूज़ किया जाता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, मिथुन बनाते जाएंगे और उसके साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगी कि एक के बाद एक किस तरह से वो इसे यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, सबसे पहले बनाना पड़ता है ब्लैक कॉफ़ी, और उसके बाद उसके साथ मिल्क ऐड करना पड़ता है। तो स्टार्ट। तो पहले फ्रेंच प्रेस का लीड ओपन करना होगा और उसमें रोस्टेड ग्राउंड कॉफ़ी डालना है, और उसके बाद इसमें ऐड करना है हॉट वाटर, और इसे ऐड करने के बाद एक स्पून से इसको मिक्स करना है, और फिर लीड को कवर करके इसे 4 से 5 मिनट के लिए रखना है ताकि कॉफ़ी जो है वो अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स हो सके, क्योंकि ये जो रोस्टेड कॉफ़ी है ये इंस्टेंट पानी के साथ मिक्स नहीं होता, इसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। और 5 मिनट बाद जो ये एक स्टेनर टाइप है इसे नीचे की तरफ प्रेस करना होगा और ब्लैक कॉफ़ी निकलेगा। तो ये ब्लैक कॉफ़ी को जिस कप में आप सर्व करने वाले हैं उस कप में डालना होगा। ब्लैक कॉफ़ी बन जाने के बाद ये जो बाकी के हिस्से हैं ये बिल्कुल चाय पत्ती की तरह दिखता है, तो इस पार्ट को फेंक देना है, इसे हम रीयूज़ नहीं कर सकते।
फ्रेंच प्रेस को क्लीन करने के बाद इसमें डालना है लुका मिल्क, और इस मिल्क को स्टेनर से अप एंड डाउन ऐसे प्रेस करने से इसमें फोम क्रिएट होगा, और वही मिल्क फोम क्रिएट किया मिल्क आपको वो ब्लैक कॉफ़ी में डालना है। अगर आप शुगर चाहते हैं तो कॉफ़ी में या तो मिल्क में आप थोड़ा बहुत शुगर भी ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम शुगर ऐड नहीं कर रहे, तो इसको आपको डालना है वो कॉफ़ी में और अपने आप ये मिक्स होता जाएगा। इसी तरह से बन जाता है हमारा लैटे, और ये जो फ्रेंच प्रेस है इससे बहुत अच्छा लैटे कॉफ़ी बनता है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आपको ये चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप अगर चाहे तो वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस के बारे में, इसके और भी डिटेल्स अगर आपको कुछ जानना है तो आप देख सकते हैं। गाइस अभी हम एंजॉय करने वाले हैं हमारा लैटे, पर एक दुख की बात ये है कि मार्केट से आने के बाद, मतलब मार्केट में भी काफ़ी सारे टाइम हमने स्पेंड किए हैं, और यहाँ पे आने के बाद इस चीज़ का शूटिंग करना, क्योंकि आपको मुझे प्रॉपरली दिखाना है कि किस तरह से ये लैटे बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिला के काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी 7:45 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो आज मैं सोच रही हूँ कि लैटे विथ टी केक हम एंजॉय करेंगे, और आज हम डिनर नहीं करने वाले हैं। वैसे भी घर में बिरयानी पड़े हुए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजा है, वो तमिलियन है एंड तमिलियन स्टाइल में चिकन बिरयानी भेजा है, तो मुझे नहीं लगता कि आज हम कोई भी इसे खा पाएंगे। अगर आर्यन खा लेता है तो वो खा लेगा, पर हम नहीं खा पाएंगे। पर आज हम जो करेंगे वो है लैटे को एंजॉय। एंड ये है वो बिरयानी जो मेरे फ्रेंड ने मुझे मेरे लिए भेजे है, और ये है तमिलियन स्टाइल चिकन बिरयानी जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अभी मेरे लिए खाना, और मेरे लिए भेजा है तो मैंने थोड़ा सा तो टेस्ट कर लिया है, पर ये आर्यन खा लेगा, मैं और मिथुन तो आज रात कुछ नहीं खाने वाले हैं। अभी बज चुके हैं रात के 9:30, और आज बाहर थोड़ा बहुत ठंड है, मतलब ठंडी हवा चल रही, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत ठंड तो लग रही है। मिथुन गए हैं अभी वॉक के लिए, वो हर रोज़ इस टाइम में वॉक में जाते हैं, मतलब जब वो ऑफिस से आते हैं तो उसके बाद जब भी उनको टाइम मिलता है तो 1 घंटे के लिए एटलीस्ट वो वॉक पर जाते हैं, और आज मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है आज तो। और आर्यन भी कुछ ही देर पहले ही उठा है तो वो भी घर में है, तो मैं चाहती हूँ कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करूँ। आज पढ़ाई तो नहीं करेगा, आज सिंपल उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया। इवनिंग के टाइम में गए थे खेलने, उसके बाद थोड़ा सा थकान महसूस हुआ था तो दूध भी नहीं पिया, और ऐसे ही चेंज करके थोड़ा फ्रेश होके सो गए, तो अभी कुछ ही देर पहले उठा है उसको, अभी खाना खा रहे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ी देर आपके साथ मैं बात कर लूँ। अभी कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा है कि आर्यन बड़ा हो रहा है, और आर्यन का भी वो 4th स्टैंडर्ड में होने वाले हैं, अभी 3rd स्टैंडर्ड में है, तो मार्च के बाद, मतलब अप्रैल के बाद तो वो 4th स्टैंडर्ड में हो जाएगा, तो उसकी जो पढ़ाई है वो दिन ब दिन टफ होते जा रहे हैं, और मैं ही उसे पढ़ाती हूँ, तो मेरे लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल अभी होना स्टार्ट हुआ है कि मैथ मैं करवा सकती हूँ, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था पहले, तो उसके बाद मैं जब अच्छी तरह से गूगल से पढ़ाई की तो अभी हिंदी में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि मैं ग्रामर भी, मतलब हिंदी के जो ग्रामर है वो भी मैं अच्छी तरह से अभी सीख गई हूँ, और आर्यन को भी पढ़ा सकती हूँ। पर जो मुश्किल हो रहा है कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं इतने बड़े बड़े, जो मैंने अपने पढ़ाई के टाइम में तो कभी नहीं मिला, मतलब नए नए वर्ड्स ऐसे आते रहते हैं, उसका मीनिंग, ये सारे चीज़ें थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि अभी मैं थोड़ा ऑनलाइन पे इंग्लिश का कुछ कोर्स किया जाए, ऐसा कुछ सोच रही हूँ।
क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं। ओह हाँ, और मेकअप के बारे में भी आपने पूछा था कि मैंने ऑनलाइन से कहाँ से मैं मेकअप के कोर्स कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने मेकअप के लिए ऑनलाइन पे कई सारे चीज़ें मैंने देखे हैं, पर वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि मेकअप एक आर्टिस्टिक चीज़ है। मतलब क्या बोलूँ आपको, वो आपके हाथों की कारीगरी है। तो उस चीज़ को आपको इस तरह से ऑनलाइन पे सीखना, मिथुन ने भी मुझे यही सजेशन दिया है कि ये वो मुँह से बोलेगा और तुम सुनोगे, ऐसा चीज़ नहीं है। वो कोई अगर मतलब बच्चों को जैसे हाथ पकड़ के सिखाया जाता है ऐसा कुछ चीज़ हो तो सबसे अच्छा है। तो इसलिए मेरे अपार्टमेंट के ठीक ऑपोजिट में एक पार्लर है, मतलब थोड़ी दूर जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक पार्लर है। उस पार्लर में जो मेकअप के जो होते हैं ना अलग से, मतलब जो हेयर कटिंग और स्किन केयर और मेकअप, ये सारे अलग अलग लोग होते हैं पार्लर में। जो मेकअप आर्टिस्ट है जो मेकअप के लिए काम करते हैं, ब्राइडल मेकअप, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैं जाके सीख रही हूँ। सैटरडे एंड संडे दोपहर को मैं सीख रही हूँ। तो दोपहर को मिथुन घर में रहता है, एक्चुअली सैटरडे संडे मिथुन घर में रहता है, तो उस टाइम में आर्यन को भी थोड़ा बहुत वो देखभाल कर सकती है, तो उसी टाइम में मैं जाके सीखती हूँ। तो यही मुझे आपको बोला था, पर हर रोज मैं भूल जाती हूँ इसके बारे में, मतलब आपके साथ बात करूँ मैं भूल जाती हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। और हाँ, इंग्लिश के बारे में, पर इंग्लिश ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इंग्लिश में अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। एंड मैंने कुछ ऐसे देखा है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ हमने बात की है, पर रेगुलर के क्लासेस से रेगुलर क्लास करना पड़ेगा तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो अभी मुझे सर्च करना है कि ऑनलाइन पे मैंने सुना है कि काफ़ी सारे ऐसे इंग्लिश के कोर्स होते हैं, तो मिथुन वही अभी देख रहा है और मैं भी ऐसे सर्च कर रही हूँ कि मेरे लिए सूटेबल कौन सा है, चाहे वो इंडियन हो या बाहर के कोई भी हो, पर एटलीस्ट मैं प्रॉपर वे में मैं सीख सकूँ, क्योंकि मुझे चाहिए अभी तो स्काइप है और कई सारे ऐसे फैसिलिटीज़ है जो हम सामने ऐसे फेस टू फेस बैठ के हम सीख सके। तो वही मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, एंड अगर मिल जाते तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। पर सीरियसली अभी मतलब थर्ड स्टैंडर्ड तक तो ठीक था, पर अभी जो फोर्थ स्टैंडर्ड में जा रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ा बहुत प्रेशर हो रहा है। तो मैं अभी कल के लिए कुछ तैयारी करूँगी। कल आर्यन का स्कूल भी है, तो स्कूल के लिए मुझे ज़्यादा तैयारी करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत मॉर्निंग होता है, तो इसलिए आर्यन को लेना है कल पटाटो एंड कॉलीफ्लावर कड़ी और उसके साथ पराठा। तो पटाटो और अनियन, ये सारी चीज़ें तो मैं सुबह ही काट लूँगी, पर अभी मैं कॉलीफ्लावर के जो फूल है उसको मैं ऐसे डिवाइड कर लूँगी, और इसके अंदर छोटे छोटे कभी कभार कीड़े भी मिलता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा टाइम लेके इसको मैं क्लीन करके रख दूँ। और फिर तैयार हो जाएगा आलू गोभी, ड्राई आलू गोभी, और आटा मैंने गूंथ के रख दिया था सुबह ही, तो आटा भी है मेरे पास, तो पराठे भी मैं फटाफट से बना लूँगी। तो मेरा फेस जो है वो अभी क्लीन है, और अभी मैं करूंगी एक छोटा सा नाइट टाइम स्किन केयर। तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ रोज वाटर, एक्चुअली ये एक टोनर है और ये मुझे मिला है वैनिटी कस्क ब्यूटी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी थैल्को का ये सीरम, ये है फ्रांस का एक ब्रांड, एक प्रीमियम ब्रांड, जस्ट वैनिटी कस्क के साथ इसका टाई अप चल रहा है इन लोगों का। और लिप्स पे मैं यूज करने वाली हूँ ये लिप बटर, ये हॉट चॉकलेट लिप बटर है। तो ये क्रीम मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ अपने हाथों के लिए, पर ये मुझे वैनिटी कस्क में नहीं, ये मुझे ग्लैमिको बॉक्स में मिला था।
तो बहुत ही जल्दी मैं एक बॉडी बटर लेने वाली हूँ और वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा वाला मैं लेने वाली हूँ। बॉडी बटर बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए एंड स्पेशली हाथ के लिए, क्योंकि हाथों से ही हमें काम करना पड़ता है। वैसे हाथों के ये जो एरिया है इस एरिया में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाथों का ये जो एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए बॉडी बटर बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी तो बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ, अभी तक मैंने कोई बॉडी बटर यूज़ नहीं किया, पर मैं बहुत ही जल्दी यूज़ करने वाली हूँ एंड ऑब्वियसली मैं वो आपको बताऊँगी कि कौन सा वाला। अभी 10:30 बजे है और अभी मुझे बहुत जूस पीने का मन कर रहा था, तो मैं अभी जूस पी रही हूँ, पर आर्यन से चुप के उसे ठंडा कुछ पीना या खाना मना है। अभी तक तो मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, पर आज जब मैं शॉपिंग करने गई थी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो एक पैकेट लेके आई थी तो फिर मैं से पी। सो गाइस अभी टाइम हुआ है 10:45 और अभी हम जा रहे हैं सोने। आज मैं बिल्कुल भी रात भर अपना वो यूट्यूब का काम नहीं करने वाली हूँ। इस वीडियो को मैं एडिट करूंगी कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो मुझे वैसे भी उठना पड़ता है कि आर्यन का स्कूल जो है, तो आर्यन स्कूल में चले जाने के बाद मैं इस वीडियो को एडिट करूंगी, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं अभी वीडियो एडिट करूँ। आज मैंने 5 वीडियो एक साथ शूट किए, 5 वीडियोज। तो अभी ये जो वीडियो चल रहा है ये तो एक है, इसके अलावा भी मैंने आज शूट किया है वैनिटी कर्स्क जो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है वो भी शायद कल ही मैं शाम के टाइम में पोस्ट करूंगी। और एक वीडियो मैंने बनाया है बीबी क्रीम के ऊपर कि किस तरह से आप अपने स्किन टोन के हिसाब से बीबी क्रीम चूज कर सकते हैं, तो उसका एक वीडियो बनाया है। और प्रिवेंटिंग नेचुरली के लिए 2, तो ये सारी चीजें मिला के अभी मुझे कंप्यूटर की तरफ देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं वहाँ पे बैठ के अभी ये मेमोरी कार्ड उसमें डाल के मैं अभी वीडियो को एडिट करूँ। अभी मुझे बहुत मन कर रहा है कि मैं बस बेड में लेटू और सो जाऊँ, मतलब और कुछ भी नहीं, कुछ भी मुझे अभी मन नहीं कर रहा है। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो फिर मिलते हैं मेरे एक नए वीडियो के साथ एंड तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सिटी।